Hello friends, myself Praveen and this is our YouTube channel Impulse Scholar. और आज हम सीखेंगे कि oxidation state क्या होती है. Oxidation state किसी भी molecule में जो भी atoms present होते हैं उनके ऊपर present charge को बोला जाता है. और ये charge atom के ऊपर electronegativity difference की वजह से create होता है. For example, अगर हम HCl का एग्जाम्पल लेते हैं तो यहां पर H की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Cl से कम है. इस वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस कारण Cl के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. इस वजह से H पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो प्लस 1 होगी और Cl पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो माइनस 1 होगी. अब हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले, कोई भी अनकंबाइंड एटम या फ्री एटम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. या अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस 1 होती है. लेकिन अगर हाइड्रोजन हमारा किसी मेटल एटम के साथ अटैच्ड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 1 हो जाती है. पोटेशियम की, सोडियम की, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 होती है. फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस 1 होगी. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड बना रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी. और किसी भी मॉलिक्यूल के में प्रेजेंट एटम्स की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है. इसी तरीके से अगर कोई आयन है तो उसके अंदर प्रेजेंट सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का एल्जेब्रिक सम उस आयन पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है. अब हम एक एग्जांपल लेकर के इस मेथड को अप्लाई करेंगे. जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया H2SO4 और इसके अंदर हमको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लस 1 होती है और यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी है तो हम इसको x एज्यूम कर लेंगे. और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो -2 होती है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और इन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 के इक्वल होगा. नाउ अब हम इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट +6 आई है. अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जो एक आयन का है. ये डाइक्रोमेट आयन है. इसके अंदर हमको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो हमने उसको 2x एज्यूम कर लिया. और ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. और इसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज जो है वो -2 है तो ये टोटल जो सम आएगा ये -2 के इक्वल हो जाएगा. और इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 आएगी. अब हम लोग उन कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो जैसे एक कंपाउंड है हमारा CrO5, इसके अंदर हमको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले हमको CrO5 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. तो स्ट्रक्चर जो हमारा इसका होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर हम देखते हैं कि 4 ऑक्सीजन जो है हमारी ये परऑक्साइड बॉन्ड से अटैच्ड है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी. और एक ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल बॉन्ड से अटैच्ड है तो जिसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 हो जाएगी. इस तरीके से जब हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो सीआर की जगह एक्स लिखेंगे और
फोर ऑक्सीजन एटम्स में ऑक्सीजन स्टेट माइनस वन है, तो फोर इंटू माइनस वन प्लस एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू है, तो वन इंटू माइनस टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सीआर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस सिक्स आ जाएगी। इसके बाद हम एक दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं H2S2O8 का, इसके अंदर हमको सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखते हैं कि दो ऑक्सीजन एटम यहां पे परऑक्साइड बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो यहां पे हमारी दो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट माइनस वन हो जाएगी। अब हम जब इसका बाकी का बाकी के ऑक्सीजन जो है उनकी ऑक्सीजन स्टेट माइनस टू ही होगी, तो यहां पे जब हम इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो हाइड्रोजन की प्लस वन है और दो एटम हाइड्रोजन के हैं, तो टू इंटू प्लस वन। सल्फर के लिए 2x यूज करेंगे क्योंकि यहां पे दो एटम सल्फर के हैं। ऑक्सीजन में सिक्स ऑक्सीजन जो है ये माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही हैं, तो इसके अंदर सिक्स इंटू माइनस टू हो जाएगा और दो ऑक्सीजन हमारी यहां माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है, तो टू इंटू माइनस वन हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स आ जाएगी। अब हम लोग फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की एक एग्जांपल देखते हैं। कई बार हम लोग ऐसा कर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करते हैं तो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शंस में आ जाती है। इस तरह एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे है हमारा एग्जांपल BR3O8। इसके अंदर अगर हम नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो BR यहां पे 3 है तो 3x हो जाएगा और ऑक्सीजन की माइनस टू होती है और यहां पे 8 ऑक्सीजन है तो इनकी 8 इंटू माइनस टू हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहां पे जो आंसर आता है वो होता है ऑक्सीजन स्टेट 16/3 हो जाती है। अब हम जरा इसको देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखते हैं यहां पे एक BR फर्स्ट BR के साथ यहां पे तीन ऑक्सीजन एटम अटैच्ड हैं और हर एक ऑक्सीजन की वजह से BR के ऊपर प्लस टू चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो एक BR के ऊपर प्लस सिक्स चार्ज क्रिएट हुआ। यहां पे जो सेकेंड नंबर का BR है ये दो साइड से BR एटम से ही अटैच्ड है, तो जिसकी वजह से इस BR पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, मगर जो चार्ज क्रिएट होगा वो दो ऑक्सीजन एटम की वजह से होगा, इसलिए यहां पे आ गया हमारा प्लस फोर पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो थर्ड BR है ये हमारा एक तरफ BR से अटैच्ड है और बाकी तीन तरफ ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर हमारा जो चार्ज आया वो प्लस सिक्स है। अगर हम यहां देखें तो यहां पे BR पे एक पे प्लस सिक्स है, दूसरे पे प्लस फोर है और तीसरे पे प्लस सिक्स है। तो अगर हम देखें तो इन तीनों BR का जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारी प्लस 16/3 हो जाएगी। तो जो भी हमारी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्चुअली में वो उस कंपाउंड में जितने भी जो प्रेजेंट एटम हैं उनके सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। किसी भी क्वेश्चन या क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।